क्या किसी को बुरा कहना, क्या किसी के बारे में अभद्र टिप्पणी करना या किसी समुदाय को निशाना बनाना, क्या इलेक्शन में ये सब जायज़ है? नहीं, इलेक्शन में ये सब जायज़ नहीं है, लेकिन ये बात नेताओं के समझ में नहीं आती। कम से कम 1,000 करोड़ रुपए बांटे होंगे केवल मुसलमानों के संस्थाओं के, ताकि वो फले फूले। ये सवाल ये है कि आप लोग जब आते हो मदद के लिए, तो इलेक्शन के टाइम जब आप कहोगे बाबा नहीं, हम भाजपा को नहीं देंगे, हम कोई भी पार्टी को दे देंगे जिससे भाजपा हारेगी, तो हमारा दिल भी टूटता है कि आपको कल मेरी जरूरत पड़ेगी। ये इलेक्शन तो मैं पार कर चुकी हूँ, अब आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, अब आपको ये जरूरत के लिए नींव डालना है, तो ये है वक्त। ये जीत आपके बिना भी होगी, आपके साथ भी, और ये चीज आपको सब जगह फैलानी पड़ेगी। और उस रिजल्ट में 100 वोट निकलेंगे और या 50 वोट निकलेंगे, तो उसके बाद जब आप काम के लिए आएंगे तो वही होगा मेरे साथ, समझ गए आप लोग? तो इसलिए जब आप मेरे ही हो तो क्यों नहीं मेरे ही रहो। जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया, उसके शरीर से आप गवाही दोगे, कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं करने दी। आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझ में क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। सपा बसपा को अली पर विश्वास है, हमें भी बजरंग बली पर विश्वास है। मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है। आपने देखा किस तरीके से जो है मेनका गांधी खुल्लम खुल्ला जो है वो मुसलमान वोटरों को जो है वो सुल्तानपुर में धमकी दे रही हैं कि अगर अगर बीजेपी इलेक्शन नहीं जीतती है तो फिर उनकी मदद के लिए ये लोग ना आए, अगर बीजेपी इलेक्शन जीतती है और अगर फिर कोई मुसलमानों में से आता है, क्योंकि मुसलमान जो है बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, इसमें आप सुने मेनका गांधी कह रही हैं, अगर 100-150 वोट जो हैं वो खुलते हैं वो मुसलमानों के होते हैं, तो फिर बीजेपी के पास आप लोग मदद के लिए आएंगे, तो आप समझ सकते हैं, तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि मेनका गांधी का किस तरफ इसमें इशारा है। यहाँ तक कि मेनका गांधी ने कह दिया कि बीजेपी पार्टी जीतेगी, ज़रूर जीतेगी, चाहे मुसलमान उनको वोट दें या ना दें। तो साफ फोकस जो है उनका वो धर्म पर है, साफ फोकस जो है वो रिलीजन पर कर रही हैं। आगे दूसरी वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो है आज़म खां जो है वो शहबाद रैली में संबोधित कर रहे थे जनता को, किस तरीके से उन्होंने जो है वो टिप्पणी की है, वो उस टिप्पणी को, हालांकि उस टिप्पणी में अभी इतना साफ नहीं है कि उन्होंने जो है वो किसको निशाना बनाया है, हो सकता है जयप्रदा या अमर सिंह किसको निशाना बनाया है। बहरहाल ये जो टिप्पणी है वो अगर इसको लिया जाए तो ये अभद्र ही टिप्पणी कहलाई जाएगी, अगर ये बात आजम खान ने जयप्रदा जी ने कही हो। अब हम आपको जो हमने आपको रैली दिखाई वो रैली थी वो योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ हालांकि सीएम हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का ख्याल नहीं है कि इलेक्शन के वक्त के कुछ साल पहले उनको जो है योगी सरकार को कितना जनता ने पसंद किया था और किस तरीके से जो है उनको यूपी की गद्दी पर बैठाला गया, लेकिन इलेक्शन के वक्त शायद वो भी सब कुछ भूल गए और उन्होंने विवादित बयान दे डाला कि विपक्ष को अली की ज़रूरत है और हमें बजरंग अली की ज़रूरत है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ जो है वो धर्म से रिलेटेड जो है वो बयान दे चुके हैं, धर्म से रिलेटेड राजनीति कर चुके हैं। आप ये चीज़ कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब आप सीएम हैं तो आपको इस तरह की जो बातें हैं वो शोभा नहीं देती हैं योगी जी। तो इस तरीके के जो बयान जो हैं वो लगातार आ रहे हैं, लगातार जो है वो जनता को ठेस पहुंचा रहे हैं,
ये जितने भी नेता हैं, जितने भी पार्टीज हैं, वो इस चीज़ को याद रखें, क्या किसी भी धर्म की जनता हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, वो उस तरह की भाषाओं को पसंद नहीं करते हैं। वो पसंद करते हैं तो वो आपके काम को पसंद करते हैं, वो पसंद करते हैं तो विकास को पसंद करते हैं। हालांकि इन चारों नेताओं पे जो है वो इलेक्शन कमीशन ने इनकी ज़ुबानों पर लगाम लगा दी है। इलेक्शन कमीशन ने आज़म खां पर 72 घंटे की पाबंदी लगाई है। 72 घंटे तक वो कोई रैली नहीं कर पाएंगे, वो जनता को संबोधित नहीं कर पाएंगे। हालांकि आज उनकी आज साइकिल की रैली होनी थी। वहीं योगी आदित्यनाथ पे जो है वो 72 घंटे की उन पर बैन लगाया गया है, जबकि मेनका गांधी और मायावती पर जो है वो 48 घंटे का बैन लगाया गया है। ये लोग इस दौरान ना ही किसी सभा को संबोधित कर पाएंगे, ना ही कोई पब्लिक मीटिंग कर पाएंगे, ना ही जो है वो किसी मीडिया चैनल पर आ सकेंगे अपना बयान या सफाई दे पाएंगे। तो ये जो बैन है ये चलता रहेगा और उसके बाद बैन ख़त्म भी होगा, तो फिर इन लोगों को इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखना होगा। इनके साथ साथ हो सकता है कि और जो नेता हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना हो, और ऐसा भी लगता है कि ये नेता जो है वो 3-4 उंगलियों पे गिने जाने वाले नेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही सिर्फ बड़बोलापन करते हैं या यही सिर्फ विवादित बयान देते हैं। सभी पार्टियों में ऐसे बहुत बड़े नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं जो विवादित बयान दे जाते हैं, तो उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो उन पर भी सख्त हो सकता है। आप देख रहे हैं द इंडियन इंफॉर्मेटिव स्टूडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फिर किसी और टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आप बने रहें हमारे कार्यक्रम चुनाव रथ। जय हिंद।